वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मैथ्स रिलेटेड वीडियो एंड दैट इज मिश्योर बुक की मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशंस। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड से लेकर 6 तक। तो आइए करते हैं। सो क्वेश्चन सेकंड पहले हम पढ़ लेंगे क्या है। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, एंड फर्स्ट दिया हुआ है -3/4 और 1/4। तो चलिए गाइज हम इसको करते हैं सॉल्व। सो गाइज हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। सो सबसे पहले हमें लिखना है -3/4 एंड देन उसके सामने हमें लिखना है 1/4 एंड इसको हमें कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -3 and 4, सो -3 × 4 इज इक्वल टू 4 and 1 है, तो यहाँ पे हमें करना है 4 × 1। सो दैट इज 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू -12 करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है तो हमें माइनस का साइन लगाना है। एंड 4 × 1 = 4, सो यहाँ 4 लगाना है। एंड अब ग्रेटर कौन सा है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव वन। सो यहाँ पे हमारा 4 ग्रेटर होगा, क्योंकि हमें मैंने अब आपको बताया कि पॉजिटिव वाला ही बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है। सो इसमें हमारा आ गया 1/4 इज ग्रेटर देन -3/4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ। सो यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं एंड पार्ट 1 है हमारा -12/9 इज इक्वल टू 60/45। सो इसको कैसे करना है हमें आपको ये बता देती हूँ। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। सो हम इसको कैसे करना है अब आपको वो बता देती हूँ। सो फर्स्टली यू विल राइट -12/9 एंड यहाँ पे हमें लिखना है 60/45 एज यू कैन सी। सो अब हमें यहाँ पे इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन -12 × 45 = 9 × 60। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 45 × 12 = 540 एंड यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे एंड यहाँ पे है 60 × 9 = 540। तो अब इसमें से बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा हुआ हमारा 60/45। सो 60/45 इज ग्रेटर देन -12/9। सो गाइज क्वेश्चन 4th है, आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर एंड राइट देयर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। सो इट मीन्स हम लोगों को इस पे लिखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो इट इज 0, सो यू कैन राइट इट 0/1 = 0 न्यूमरेटर एंड 1 डिनोमिनेटर, और यू कैन राइट 0 = न्यूमरेटर 1 = डिनोमिनेटर एज इट इज। सो अब हम 6/7 का करेंगे, तो 6/7 में 6 इज न्यूमरेटर एंड 7 इज डिनोमिनेटर। 5/1 का करेंगे, सो 5 इज न्यूमरेटर एंड 1 इज डिनोमिनेटर। एंड -6/1 का करेंगे, -6 इज न्यूमरेटर एंड 1 इज डिनोमिनेटर। एंड ऐसे करके आपको सारे पार्ट्स करने हैं, और अगर आपको कोई भी पार्ट ना आया मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट्स ऑन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सो हमारा फर्स्ट है इसमें -25/-36 एंड सेकेंड है 8/-5, ऐसे सब हैं। सो अब मैं आपको फर्स्ट वाला बताती हूँ। सो -25/-36 क्या है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सो गाइज ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे -25/36 होता तो ये नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस है और माइनस ही रहता है। बट यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों है, तो इट मीन्स माइनस माइनस प्लस, सो इट इज पॉजिटिव। सो नेक्स्ट हमारा है 8/-5, सो यहाँ पे ओनली माइनस का साइन है, सो इट मीन्स इट इज नेगेटिव रैशनल नंबर। सो गाइस सी है 0/-9 एंड 0/-9 इसका मतलब होता है कि ये नेगेटिव है। Then D is -8/9, it is also negative because minus sign is there. 11/-12, it is also negative because minus sign is there. Then 6/7, it is positive because plus plus is the sign. So plus plus plus, so it is positive. You have any doubt, please tell me in the comment, I will reply you your doubts.
देन अवर सिक्स क्वेश्चन इज चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. इट मीन्स कि हमें चेक करना है कि कौन से इक्विवेलेंट है, मीन्स सेम है. सो माइनस फाइव अपॉन इलेवन एंड माइनस फिफ्टीन अपॉन माइनस थर्टी थ्री. सो गाइज फर्स्टली यू हैव टू राइट माइनस फाइव अपॉन इलेवन एंड देन यू हैव टू राइट माइनस फिफ्टीन अपॉन थर्टी थ्री, माइनस थर्टी थ्री. And then again you have to do the cross multiply from this one to this one, okay? So, minus 5 into minus 33 and 15 into 11. आप देख सकते हैं माइनस 33 इंटू माइनस 5 कितना होता है, इट्स 165. सो इट मीन्स माइनस 165. ओके देन हेयर इज 15 इंटू 11 सो इट मीन्स 165 एंड इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव. ओके सो इट इज इक्विवेलेंट और नॉट, इट इज नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज हेयर इज अ पॉजिटिव एंड हेयर इज अ नेगेटिव वन. सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट. ओके अंडरस्टैंड, नॉट इक्विवेलेंट. ओके सो आवर क्वेश्चंस आर डन. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको कोई भी डाउट हो मैं फिर कह रही हूँ मुझसे पूछ सकते हो आप, मैं उसके रिप्लाई दूंगी. एंड मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय.